कर्नाटक सरकार के कार्यालयों में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की आलोचना। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार इस प्रतिबंध को लाकर भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक, बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा बढ़ा। शुक्रवार के आदेश के अनुसार मुआवजे में बढ़ोतरी 1 जून से 31 दिसंबर तक बारिश और बाढ़ से हुई फसल को हुए नुकसान के लिए की जाएगी। केरूर हिंसा, हमें पैसा नहीं हमें न्याय चाहिए, परिवार ने सिद्धारमैया के मुआवजे की पेशकश को ठुकराया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने अपने विधानसभा क्षेत्र बादामी में सांप्रदायिक झड़प में घायल एक व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन पीड़िता की बहन ने न्याय की गुहार लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने छवि जलाने के तरीकों पर किया मंथन। चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा ने विपक्ष को चुप कराने की रणनीतियों और पार्टी में आंतरिक कलह से निपटने के तरीकों पर चर्चा की, जो एकता को प्रभावित कर रहा था। मंगलुरु में गांजा बेचने के आरोप में दंपति गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में कावूर के शंकर नगर निवासी विख्यात 28 वर्षीय उर्फ विक्की बप्पल और उसकी पत्नी 21 वर्षीय अंजना है। पुलिस ने उनके पास से 22,000 रुपए कीमत का 2,200 किलो गांजा, 1,500 रुपए नकद, एक मोबाइल फोन जब्त किया है और कमिश्नर ने कहा कि कुछ और आरोपी एक नेटवर्क का हिस्सा है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कलबुर्गी पुलिस सब इंस्पेक्टर पर कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर रूप से घायल। शाहबाद सीएमसी के पूर्व अध्यक्ष गिरीश कंबानूर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी ने उस समय उस पर हमला कर दिया जब वह हत्या का मौके पर निरीक्षण कर रही थी। उस समय शाहबाद पुलिस उप निरीक्षक सुवर्णा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी विजय कुमार हल्ली पर गोलियां चला दी। पुलिस सब इंस्पेक्टर और आरोपी दोनों का कलबुर्गी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेंगलुरु, सेंट जॉन्स के प्रिंसिपल को महामारी वर्ष शुल्क छूट पर निलंबित कर दिया गया। चर्च ऑफ साउथ इंडिया से संबद्ध धर्मप्रांत ने यह निर्णय इस आरोप के आधार पर लिया है कि प्रिंसिपल एन शांता सुशीला ने पिछले शैक्षणिक वर्ष की फीस माफ करने के लिए छात्रों के माता पिता से रिश्वत ली थी। बेंगलुरु, झीलों पर अतिक्रमण हटाने के लिए इंजीनियरों से कहें। कर्नाटक एचसी से बीबीएमपी कोर्ट ने बीबीएमपी के वकील से कहा कि अतिक्रमण हटाने का मतलब विभागों को पत्र लिखना नहीं है बल्कि जमीनी कार्रवाई है। बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 में कर्नाटक के 7 विश्वविद्यालय। हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने पिछले साल के 82.67 से अपने समग्र स्कोर को बढ़ाकर 83.57 कर दिया है।